बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कीमे का पराठा बनाना। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ जो उसमें मैंने फिलिंग करनी है। उसके लिए मैंने लिया है ये कीमा, मैंने बीफ का कीमा लिया है ये 200 ग्राम। ये थोड़ा सा मैंने ज़ीरा और थोड़ा सूखा धनिया ली के उसे ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसे मैं दरदरा सा यानी मोटा मोटा सा कूट के अपने पास रख लूँगी और फिर इसको मैं ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, ये 1/2 टीस्पून मेरे पास है हल्दी और 1 टीस्पून है मेरे पास ये लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून मेरे पास है ये नमक और 1 टीस्पून मैंने लिया है ये लेमन जूस। इन सब चीज़ों से अपने ये जो कीमा है इसको कर लेंगे मैरिनेट। ठीक है जी, कीमे में डाल लेते हैं अपने सारे मसाले, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद कीमे में मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने ये आपको दिखाया था ज़ीरा और धनिया, ये मैंने कूट के रख लिया है। ठीक है, इसको हम लेकिन ऐड करेंगे बाद में, जब हम कीमा पका लेंगे उसके बाद इसको ऐड करना है, क्योंकि इसकी खुशबू आनी चाहिए। उसकी खुशबू से पराठा बहुत ही मज़े का बनता है। ठीक है जी, हमारा ये कीमा है अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। ठीक है, मिक्स करके मैंने अब इसको रख देना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, फ्रिज में ढक के रख देंगे। अपने पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, आपने ज़्यादा ऑयल नहीं लेना वरना फिर जो है ना जो कीमा है वो बहुत ऑयली हो जाता है, तो फिर इसका पराठा अच्छा नहीं बनता। ठीक है, ऑयल में हम डाल देते हैं ये अपना थोड़ा लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, 1 टीस्पून के बराबर डाला होगा, इसे थोड़ा पका लेते हैं। उसके बाद इसमें हम कीमा डाल लेंगे। ऑयल में थोड़ा लहसुन अदरक को पका के इसमें कीमा ऐड कर लेते हैं। इसे अब ढक के रख देंगे तकरीबन 10-12 मिनट ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए कीमा। जी व्यूअर्स, हमने अपने ये कीमे को अच्छी तरह पका लिया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब जिस मशीन में हम अपने कोफ्तों के लिए कीमा पीसते हैं अपने फूड चॉपर में, उसमें ये कीमा डाल के तो हम इसे पीस के रख लेते हैं। ठीक है जी, हमने अपने ये कीमे को अपने फूड चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से पीस लिया है। ठीक है, ऐसा हो जाना चाहिए ये। अब इसमें जो मैंने आपको दिखाया था ये ज़ीरा और साबुत धनिया वो डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। हाथों से ही आपने इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से। जी व्यूअर्स, हमने कीमे रेडी करके रख लिया है। ठीक है, आपने इसमें ज़रूर डालना है ये जो ड्राई रोस्ट करके मैंने डाला है इसमें कूट के साबुत धनिया और ज़ीरा, इससे इसमें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ जाती है। ठीक है जी, और जो हम अपने नॉर्मल आटा लेते हैं रोटियों के लिए वो हमने लेके तो उसकी छोटे छोटे से 2 पेड़े बना लिए हैं। जितना अपनी पूरियों के लिए पेड़े बनाते हैं उससे थोड़े से हमने बड़े पेड़े बना लेने हैं। ठीक है जी, अब मैं इसे बेल लूँगी। ठीक है जी, हमने ऐसे रोटी बेल ली, इसके अंदर अपनी कीमे की फिलिंग डाल लेते हैं। कीमे को आपने ठंडा करके ही पीसना है। ठीक है, आपने इसको फिल करके इस पर दूसरी आपने अपनी रोटी रख लेनी है। अब इसे अच्छे तरीके से साइडों से हम बंद कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से हम ठीक है जी, अपनी हमने रोलिंग पिन से अपने पराठे को हल्के हल्के हाथ से बेल लिया है। अब हम इसे अपने तवे पे डाल देंगे जो कि मैंने गरम कर लिया है। ठीक है जी, अपने पराठे को हमने डाल लिया है तवे पे, एक तरफ से ये डन हो जाएगा तो इसे हम पलट लेंगे। ठीक है, एक तरफ से थोड़ा पक गया, हमने इसको पलट लिया। इस पर हम डाल देते हैं अपना ये घी। आप चाहें तो देसी घी में बना लें या नॉर्मल घी या ऑयल, जो आपका दिल चाहे।
बहुत मज़ेदार गर्मा गर्म सा कीमे का पराठा बनके रेडी है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। आप इसे प्लेन योगर्ट या ग्रीन रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।